everyone and welcome back to this YouTube channel that is CV Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं HPLC के बारे में. Basically HPLC के दो parts हम already cover कर चुके हैं. पहले part में हमने देखा था जो HPLC होता है उसके basics के बारे में, उसके कुछ advantage, disadvantage, उसके principle के बारे में. Second part में हमने देखा था उसके instrumentation के बारे में, basically जो HPLC होता है किस तरह से वो वर्क करता है, कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं एंड उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, एंड ये जो आपका पार्ट है ये आपका HPLC का थर्ड पार्ट है, जहाँ पर हम देखेंगे जो HPLC होता है उसके बेसिकली कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट के बारे में पता चल सके. एंड चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के टॉपिक को. एंड सबसे पहले देख लेते हैं जो HPLC होता है उसके कितने टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें HPLC के टाइप्स की, सो बेसिकली HPLC के बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं. बेसिकली जो इसकी फंक्शनिंग होती है, जो आपकी पोलैरिटी होती है आपके सैम्पल की, तो उसके बेसिस पर इसको अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है. ठीक है, सो अगर हम बात करें पोलैरिटी के बेसिस पर, तो जो किसी भी सैम्पल की पोलैरिटी होती है उसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है HPLC का, वो होता है नॉर्मल फेज HPLC एंड रिवर्स फेज HPLC. ठीक है, सेकेंड हम बात करें जो आपके पार्टिकल्स होते हैं, कोई भी आपका सैम्पल है उसमें जो कैटायंस या एनायंस या उनके पर्टिकुलर साइज वगैरह रहता है, इसके बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है वो यहाँ पर दो में क्लासिफाई किया जाता है. पहला रहता है आपका आयन एक्सचेंज एंड सेकेंड रहता है आपका साइज एक्सक्लूजन HPLC. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये दो और टाइप्स हैं. बेसिकली ये कोई टाइप्स हैं जहाँ पर इसका नाम होता है अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दैट मीन्स HPLC का थोड़ा सा और ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन, थोड़ा सा और ज़्यादा एक्यूरेट वर्जन होता है अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का. थर्ड होता है आपका FPLC, दैट मीन्स फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी. तो ये बेसिकली कोई टाइप नहीं कह सकते हैं इसको HPLC का. बेसिकली जो आपका FPLC होता है ये आपका HPLC के जैसे ही वर्क करता है, बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस होते हैं. तो क्या चेंजेस होते हैं इसको हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं. एंड ये जो आपका FPLC होता है एंड जो आपका UHPLC होता है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है. एंड ये जो आपका क्लासिफिकेशन होता है पोलैरिटी के बेसिस पर एंड साइज शेप एंड पार्टिकल के कैटायंस एंड एनायंस जो होते हैं उनके बेसिस पर, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. एंड सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो आपका नॉर्मल फेज HPLC होता है वो क्या होता है या फिर उसके क्या आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं. सो जो आपका नॉर्मल फेज HPLC होता है उसका यूज़ बेसिकली किया जाता है वाटर सेंसिटिव कंपाउंड्स के यूज़ के एग्जामिनेशन में, जियोमेट्रिक आइसोमर्स, सिस ट्रांस आइसोमर्स एंड काइरल कंपाउंड्स. तो इनके एग्जामिनेशन के लिए, इनके सेपरेशन के लिए जो आप HPLC का यूज़ करते हो वो होती है आपकी नॉर्मल फेज HPLC. इसके अलावा इसमें जो आपका HPLC में जो कॉलम यूज़ करी जाती है, उस कॉलम में बेसिकली जो सिलिका के टीनी पार्टिकल्स होते हैं, सिलिका के टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, उसको इसमें फिल किया जाता है. एंड ये एक तरह का नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं. और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है उसके एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो यहाँ पर हेक्सेन को यूज़ किया जाता है, जो कि आपका एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है. ठीक है, इसके अलावा जो एक टिपिकल कॉलम होती है, मतलब जो एक जनरल सेंस में कॉलम यूज़ करा जाता है, उसका जो डायामीटर होता है वो रहता है आपका 4.6 मिलीमीटर और स्मॉलर एंड अ लेंथ जो रहती है वो आपकी रहती है 150 to 250 मिलीमीटर. सो बेसिकली जो आपका डायामीटर होता है वो 4.6 मिलीमीटर या फिर इससे कम भी हो सकता है, जो लेंथ होती है वो आपकी 150 से 250 मिलीमीटर के बीच में होती है. ठीक है, सो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है. तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि आपकी जो कॉलम होती है उसका इंटरनल डायामीटर एंड लेंथ जो होती है वो क्या होती है. ठीक है, इसके अलावा जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं किसी भी मिक्सचर में, वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ में मूव करते हैं, बहुत ही क्विकली मूव करते हैं आपके इस तरह की कॉलम्स में जहाँ पर आपने नॉन पोलर सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं, जहाँ पर नॉर्मल फेज HPLC में जो यूज़ किया जाता है. ठीक है, सो नॉन पोलर कंपाउंड्स इन द मिक्सचर विल पास मोर क्विकली थ्रू द कॉलम एज पोलर कंपाउंड्स विल स्टिक लॉन्गर टू द पोलर सिलिका.
ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर जो सिलिका होती है ये एक तरह से पोलर सॉल्वेंट का यूज़ किया जाता है, एक तरह से पोलर आपका रहता है, पोलर पार्टिकल्स होते हैं सिलिका वाले। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर आप पोलर कंपाउंड को ही मूव कराओगे दैट मीन्स जो आपका सैंपल है वो भी पोलर होगा। उस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका सैंपल होता है वो स्टिक कर जाता है जो पोलर सिलिका के पार्टिकल्स होते हैं उनसे, तो वो रन नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्या रहता है सेपरेशन उतना आसानी से नहीं हो पाता है। यहीं पर अगर आप नॉन पोलर कंपाउंड का सेपरेशन करा रहे हो नॉर्मल फेज HPLC में, जहाँ पर आपका जो सिलिका होता है वो पोलर कंपाउंड के जैसे यूज़ करा जाता है, तो वहाँ पर क्या रहता है, जो आपका कंपाउंड्स रहते हैं नॉन पोलर कंपाउंड्स रहते हैं वो मोर क्विकली रन करते हैं एंड सेपरेशन उसमें बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, सो ये आपका बेसिक से कुछ पॉइंट्स रहते हैं नॉर्मल फेज HPLC के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड जो पोलैरिटी के बेसिस पर सेकेंड टाइप होता है HPLC का, जो कि होता है रिवर्स फेज HPLC, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सो अगर हम बात करें रिवर्स फेज HPLC के बारे में, तो ये क्या होता है, इसमें जो आपकी कॉलम यूज़ करी जाती है उस कॉलम में सिलिका पार्टिकल्स को ही यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं मॉडिफाइड फॉर्म में होते हैं, एंड यहाँ पर जितने भी सिलिका पार्टिकल्स होते हैं उनको नॉन पोलर में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पर भी सिलिका पार्टिकल्स ही आपने नॉर्मल फेज में यूज़ करे थे, सिलिका पार्टिकल्स ही आप रिवर्स फेज में यूज़ करते हो, लेकिन जो आप रिवर्स फेज में यूज़ करते हो उसको नॉन पोलर की तरह यूज़ किया जाता है। दैट मीन्स जो आपका सिलिका होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके उसको नॉन पोलर बनाया जाता है, एंड नॉन पोलर बनाने के लिए इसमें क्या करते हैं, इसमें जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है उसको इस सिलिका पार्टिकल्स में अटैच किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है वो आपकी 8 to 18 कार्बन तक की लंबी चेन को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके 8 से लेकर के 18 कार्बन के एटम्स का यूज़ करा जाता है सिलिका को, सिलिका के पार्टिकल्स को नॉन पोलर में कन्वर्ट करने के लिए, एंड सिलिका पार्टिकल्स को ही रिवर्स फेज में यूज़ करा जाता है बट एज अ नॉन पोलर पार्टिकल। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इट कैन बी यूज्ड फॉर पोलर नॉन पोलर आयोनाइजेबल एंड आयोनिक सैंपल्स। जो आपका रिवर्स फेज HPLC होता है आप उसको पोलर पार्टिकल्स, नॉन पोलर पार्टिकल्स, आयोनाइजेबल पार्टिकल्स एंड आयोनिक सैंपल्स, इन सभी के सेपरेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। देन दे आर लेस सॉल्यूबल इन द एक्वस मोबाइल फेज कॉम्पोनेंट्स फैसिलिटेटिंग देयर इंटरैक्शन विद द हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स। सो यहाँ पर क्या होता है, ये काफ़ी ज़्यादा लेस सॉल्यूबल होते हैं, एंड जो आपका एक्वस मोबाइल फेज होता है जो आपके पूरे HPLC में रन करता है वो आपका लेस सॉल्यूबल होता है, एंड उसमें आपका जो आपका ये सैंपल रहता है वो लेस सॉल्यूबल होता है इसमें, एंड जो कंपोनेंट्स होते हैं फैसिलिटेट करते हैं अपना इंटरैक्शन जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स होते हैं। बेसिकली जब इसमें आप किसी भी सैंपल को रन कराते हो तो जब वो रन करता है तो जो आपके कॉलम में सिलिका पार्टिकल्स होते हैं जिनको लंबी करने के लिए, जिनको नॉन पोलर करने के लिए उसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन को इंसर्ट कराया जाता है, उसके लिए क्या कहते हैं, उसमें ये जो आपके सैंपल रहता है उनसे इंटरैक्ट करता है, हाइड्रोकार्बन के जो ग्रुप रहते हैं सिलिका से अटैच उनसे इंटरैक्शन होता है आपके सैंपल का, एंड उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका सेपरेशन होता है। ठीक है, देन अ पोलर सॉल्वेंट इज़ यूज्ड फॉर एग्जाम्पल अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एन एल्कोहल दैट इज़ मेथेनॉल। सो बेसिकली यहाँ पर जो आप सॉल्वेंट यूज़ करते हो वो आपका पोलर सॉल्वेंट होता है, एंड जो आपका स्टेशनरी फेज होता है कॉलम के अंदर वो आपके सिलिका पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो बेसिकली आपका यूज़ करा जाता है मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एन एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल आपका किसी भी तरह का हो सकता है, मेथेनॉल, एथेनॉल, एंड जनरली बात करें तो यहाँ पर मेथेनॉल का मिक्सचर यूज़ करा जाता है, मेथेनॉल एंड वाटर का मिक्सचर यूज़ करा जाता है एज अ सॉल्वेंट। तो ये जो आपका रहता है ये आपका पोलर फेज में रहता है। ठीक है, सो ये हो गया आपका रिवर्स फेज के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली उसने जो इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पोर्शन था एंड जो इसका फर्स्ट पार्ट था बेसिक्स वाला तो वो नहीं देखा होगा, तो इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट को ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप उनको नहीं देखेंगे आपको ये समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, इसलिए फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट देखना मस्ट है। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो आपका
रिवर्स फेज होता है, इसी के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सो बेसिकली अगर हम बात करें रिवर्स फेज HPLC के बारे में, तो यहाँ पर क्या होता है, पोलर कंपाउंड्स इन द मिक्सचर विल पास मोर क्विकली थ्रू द कॉलम बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन अकर्स बिटवीन द पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर मॉलिक्यूल्स। सो यहाँ पर क्या होता है, पोलर कंपाउंड्स बेसिकली, यहाँ पर आपकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है थोड़ा सा, ये स्पेलिंग होगी POLAR, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पोलर कंपाउंड्स इन द मिक्सचर वो ज़्यादा तेज़ आपका रन करते हैं, ज़्यादा क्विकली रन करते हैं, एंड यहाँ पर क्योंकि जो आपका अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा होता है पोलर सॉल्वेंट एंड पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसी वजह से जो आपके पोलर कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पर मोर क्विकली रन करते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की स्पीड जो रहती है रन करने की वो कंपैरेटिवली कम होती है, वो थोड़ा सा धीरे रन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका अट्रैक्शन होता है वो अलग अलग देरी का अट्रैक्शन होता है हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स के साथ में, जिसकी वजह से ये आपके जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स होते हैं उनके साथ में कुछ वॉन्डरवॉल फोर्स क्रिएट करने लगते हैं, कुछ यहाँ पर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन होता है। इसके बेसिस पर जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो आपका रन होता है वो उतना क्विकली नहीं करते हैं, वो कंपैरेटिवली स्लो होता है, ठीक है। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर स्लोड डाउन इन देयर वे थ्रू द कॉलम, दे फॉर्म वेरिंग डिग्री ऑफ अट्रैक्शन विद हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स थ्रू द वैन डेर वाल्स फोर्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, ठीक है। सो ये हो गया आपका रिवर्स फेज HPLC के बारे में, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आयन एक्सचेंज HPLC की। सो बेसिकली जो आयन एक्सचेंज HPLC होता है उसमें जो आपका सेपरेशन किया जाता है एनायंस एंड कैटायंस के बेसिस पर सेपरेशन होता है, किसी भी सैंपल में जो भी एनायंस या जो भी कैटायन पार्टिकल्स होते हैं उनके बेसिस पर यहाँ पर आपका सेपरेशन किया जाता है। इसके अलावा जो कॉलम होता है वहाँ पर जो पैकिंग होती है वहाँ पर आयनिक ग्रुप्स होते हैं एंड मोबाइल फेज इज़ बफर। बेसिकली जो आपका कॉलम था जो कि स्टेशनरी फेज थी वहाँ पर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनको पैक करने के लिए मैंने आपको एक क्राइटेरिया बताया था कि क्या क्राइटेरिया होता है, तो वो मैंने आपको सेकेंड पार्ट में बताया था, तो उसको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जो आप पैकिंग करने के लिए यूज़ करते हो मटेरियल वो बेसिकली आयन के ग्रुप्स होते हैं, आयनिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। एंड जो आपका मोबाइल फेज होता है वो एक तरह का बफर होता है। सो बफर क्या होता है, आई होप आप सभी को पता होगा क्योंकि केमिस्ट्री में आपने कई बार इसको पढ़ा होगा, 10th 12th में कई बार इसको पढ़ाया जाता है। सो आई होप आपको बफर के बारे में पता होगा कि बफर क्या होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका पैकिंग करने के लिए आयनिक ग्रुप्स का यूज़ करते हैं एंड मोबाइल फेज के फॉर्म में बफर का यूज़ करा जाता है। बेसिकली आयन एक्सचेंज HPLC में नाम से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पर जो सेपरेशन होता है वो एनायंस एंड कैटायंस का होता है, ठीक है। सो ये हो गया आपका आयन एक्सचेंज HPLC के बारे में, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइज एक्सक्लूजन HPLC के बारे में। सो बेसिकली जो साइज एक्सक्लूजन HPLC होता है इसमें क्या रहता है, मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज इनटू पोर्स ऑफ अ पोरस मीडियम एंड आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव साइज ऑफ द पोर। सो बेसिकली जो आपका सैंपल रहता है, जो यहाँ पर सैंपल आप यूज़ करते हो उसमें क्या रहता है, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जो आप कॉलम में मटेरियल यूज़ करा जाता है वो पोर्स के फॉर्म में होता है, तो वो पोर्स में डिफ्यूज़ कर जाता है, एक पोरस मीडियम का यूज़ करा जाता है जिसमें आपके मॉलिक्यूल के सारे पोर्स जो होते हैं वो डिफ्यूज़ कर जाते हैं एंड फिर उनके बेसिस पर उनका सेपरेशन होता है। बेसिकली यहाँ पर जो सेपरेशन होता है वो किसी भी पोर के या फिर किसी भी मॉलिक्यूल के जो आपके पार्टिकल्स होते हैं उनका जो रिलेटिव साइज़ होता है उसके साइज़ के बेसिस पर यहाँ पर सेपरेशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपके नाम से समझ में आ रहा है कि साइज़ एक्सक्लूजन, तो बेसिकली जो साइज़ होगा हर एक पार्टिकल का अलग अलग, तो उसके बेसिस पर ही यहाँ पर आपका सेपरेशन किया जाता है। यहाँ पर जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले इल्यूट हो जाते हैं, जो स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो बाद में इल्यूट होते हैं। इल्यूट का मतलब होता है यहाँ पर बेसिकली सेपरेशन से मतलब है, तो जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले इल्यूट होते हैं, आपके स्मॉल पार्टिकल्स जो होते हैं वो बाद में इल्यूट होते हैं, क्योंकि इनका जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी रन कर लेते हैं, जो स्मॉल होते हैं वो धीरे धीरे रन करते हैं या फिर उनका इंटरेक्शन थोड़ा ज़्यादा हो पाता है, तो इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ होती है, ठीक है। सो ये हो गया आपका साइज एक्सक्लूजन HPLC के बारे में, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है उसके बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम UHPLC कहते हैं एंड फुल फॉर्म तो यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है।
सो यहाँ पर क्या होता है, वेयर स्टैंडर्ड एचपीएलसी टिपिकली यूजेस कॉलम पार्टिकल्स विद साइजेस 3 to 5 माइक्रोमीटर एंड प्रेशर्स ऑफ अराउंड 400 bar. सो यहाँ पर जो जनरल आप एक एचपीएलसी यूज़ करते हो, जो आपकी एक स्टैंडर्ड एचपीएलसी होती है, ठीक है, तो वहाँ पर जो किसी भी पार्टिकल का साइज रहता है वो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 5 माइक्रोमीटर्स का रहता है. एंड यहाँ पर जो प्रेशर यूज़ करा जाता है वो आपका 400 bar तक रहता है, ठीक है. अब अगर हम बात करें UHPLC की, तो जो आपका UHPLC होता है वो स्पेशली डिज़ाइन की गई कॉलम्स उसमें यूज़ करी जाती हैं, जहाँ पर पार्टिकल्स का जो साइज़ रहता है वो आपका 1.7 माइक्रोमीटर तक हो सकता है. आपका जो पार्टिकल का साइज़ होता है वो यहाँ पर 1.7 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है. एंड जो प्रेशर लगता है वो आपका यहाँ पर 1000 bar तक का प्रेशर अप्लाई किया जाता है, ठीक है. सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो आपका अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है वो थोड़ा सा ज़्यादा मॉडिफाइड वर्जन है, एंड उससे और ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर था उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया गया, एंड जो पार्टिकल साइज़ है उसको भी काफ़ी कम कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत ही कम सैम्पल से आप बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. इसके अलावा जो आपका UHPLC है, अगर इसके हम मेन एडवांटेज की बात करें तो वो है इसकी स्पीड, इसकी स्पीड एंड इसकी एक्यूरेसी. एंड दीज सिस्टम्स आर फास्टर, मोर सेंसिटिव एंड रिलाई ऑन स्मॉलर वॉल्यूम्स ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दैन स्टैंडर्ड HPLC, रिजल्टिंग इन द एबिलिटी टू रन मोर सैम्पल्स इन लेस टाइम, ठीक है. तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल्स कम से कम टाइम में आपको रन करा कर देता है, बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और जितने आपके कम से कम वॉल्यूम में भी आपको बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देता है, एंड काफ़ी ज़्यादा ये फास्टर होता है, ठीक है. तो ये सारे इसके कुछ एडवांटेज थे, एंड ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बेसिकली यहाँ पर जो आपका यहाँ पर साइज़ दे रखा है, आपका जो प्रेशर दे रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है. एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसी के कुछ और पॉइंट्स के बारे में. सो बेसिकली However, if the systems are run at typical pressures greater than 800 bar, the column age or degrade quicker. So basically, यहाँ पर क्या है, जो आपका UHPLC है, यहाँ पर प्रेशर आपका 800 bar से भी ज़्यादा यूज़ करा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर यूज़ करा जाता है. सो इस वजह से क्या होता है, जो कॉलम्स यूज़ करते हो आप, एनालिटिकल जो कॉलम्स होती हैं, उनकी जो लाइफ होती है, उनकी जो एज होती है, वो धीरे धीरे करके आपकी डिग्रेड होने लगती है. इन कंपैरिजन टू जो आपके स्टैंडर्ड HPLC होते हैं, उसमें भी आप हाई प्रेशर यूज़ करते हो, वहाँ पर भी कॉलम का डिग्रेडेशन होता है. लेकिन अगर हम कंपेयर करें HPLC जो आपका स्टैंडर्ड वाला है एंड HPLC जो अल्ट्रा है, इन दोनों में अगर हम बात करें कि जो एनालिटिकल कॉलम होती है वो सबसे ज़्यादा जल्दी किसकी डिग्रेड होती है, वो होती है आपकी अल्ट्रा HPLC की, क्योंकि जो अल्ट्रा HPLC है उसमें और भी ज़्यादा प्रेशर को यहाँ पर अप्लाई किया जाता है. इस वजह से यहाँ पर जो आपकी कॉलम का डिग्रेडेशन होता है वो बहुत ज़्यादा क्विकली होता है. इसके अलावा न्यूअर टेक्नोलॉजी इज़ बीइंग डेवलप्ड फॉर अल्ट्रा HPLC यूनिट्स टू यूज़ कॉलम पार्टिकल्स विद 1 माइक्रोमीटर साइज एंड प्रेशर अप टू पोटेंशियल्स अप टू 600 bar. तो यहाँ पर जो आपका अल्ट्रा HPLC है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया गया, एंड यहाँ पर जो कॉलम का पार्टिकल्स अगर आपके पास 1 माइक्रोमीटर साइज़ का भी है, एंड प्रेशर आप इतना 6800 bar तक का प्रेशर यहाँ पर अप्लाई हो सकता है, ठीक है. सो इससे क्या होगा, और भी ज़्यादा आपका एक्यूरेट और ज़्यादा आपका फास्ट रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है. सो ये होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अल्ट्रा HPLC के बारे में. सो बेसिकली यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा. यहाँ से आपके नेट के एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि HPLC एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा पार्ट होता है फोरेंसिक साइंस का, यहाँ पर आप HPLC का यूज़ करते हुए काफ़ी सारे एविडेंसेस का आप रिजल्ट बहुत ही सही तरह से बिल्कुल एक्यूरेटली दे सकते हैं. इस वजह से आप फोरेंसिक साइंस में HPLC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, एंड इसी वजह से आपके नेट के एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं,
एंड इसके बेसिकली अभी तक 3 पार्ट हुए हैं, ये थर्ड पार्ट चल रहा है। एंड हर एक पार्ट में आपको 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आप निकाल सकते हैं जो आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मैंने हर जगह आपको बताया भी है, ठीक है। सो हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से अपने ध्यान में रखिएगा। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं FPLC के बारे में। सो बेसिकली जो FPLC होता है उसकी फुल फॉर्म होती है फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जिसको शॉर्ट में हम कहते हैं FPLC। सो ये क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टम सिमिलर टू HPLC दैट इज़ यूज्ड टू सेपरेट और प्योरीफाई प्रोटीन्स एंड अदर बायोमोलिक्यूल्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स। सो बेसिकली जो आपका FPLC है वो आपका स्पेशली बनाया गया है प्रोटीन्स को प्योरीफाई करने के लिए, बायोमोलिक्यूल्स को प्योरीफाई करने के लिए। जितनी भी अदर तरह के आपके बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जो भी प्रोटीन्स होती हैं, उन सभी को प्योरीफाई करने के लिए, उन सभी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन सभी को सेपरेट करने के लिए FPLC को स्पेशली बनाया गया है इसी पर्पस से। इसी वजह से इसका नाम भी है फास्ट प्रोटीन लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो आप इसके नाम से डायरेक्टली समझ सकते हैं स्पेशली यहाँ पर जो प्रोटीन्स होती हैं, जो आपके अदर बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, उन सभी के सेपरेशन के लिए, उन सभी के प्योरीफिकेशन के लिए आप इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हो। एंड जो आपका मेन डिफरेंस होता है HPLC एंड FPLC का, वो जो आपका मेन डिफरेंस होता है वो होता है वर्किंग प्रेशर का। जो यहाँ पर प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो उसके प्रेशर का यहाँ पर डिफरेंस होता है, ठीक है। सो अगर हम बात करें FPLC कॉलम्स की, देन FPLC कॉलम्स कैन बी यूज अप टू मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 3 to 5 MPa। सो यहाँ पर इससे पहले हम बात कर रहे थे बार में, कि जो आपका प्रेशर लग रहा था वो बार में था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पास्कल में। सो बेसिकली जो पास्कल होता है ये आपके बार से बड़ी यूनिट होती है। सो यहाँ पर जो FPLC होता है, यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रेशर लगता है वो लगता है 3 to 5 MPa तक का। सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इफ़ द प्रेशर ऑफ HPLC कैन बी लिमिटेड, नियरली एवरी FPLC कॉलम में ऑल्सो बी यूज इन एन HPLC सिस्टम। सो बेसिकली अगर आप किसी भी HPLC का जो प्रेशर है उसको लिमिट कर दोगे, उसको लिमिटेड कर दोगे, तो जितनी भी FPLC होती हैं, FPLC कॉलम्स होती हैं, उनको आप HPLC सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका FPLC के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा बेसिकली यहाँ पर FPLC और HPLC में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है आपका जो प्रेशर लगता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लगता है FPLC में। इसके अलावा यहाँ पर स्पेशली इसको बनाया गया है प्रोटीन्स के सेपरेशन के लिए, बायोमोलिक्यूल्स के सेपरेशन के लिए फ्रॉम कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स, ठीक है। सो ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आपके FPLC के। एंड बेसिकली यहाँ पर आपका सेम वर्क होता है, कोई भी कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है, बस प्रेशर का डिफरेंस होता है। इसके अलावा जो आप कॉलम यूज़ करते हो उस कॉलम में अलग अलग टाइप का पैकिंग मटेरियल यूज़ होता है, उसका डिफरेंस होता है। बाकी वर्किंग सब कुछ सिमिलर रहता है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। मेन डिफरेंस आपका यहाँ पर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर का डिफरेंस होता है। सो कितना प्रेशर होता है इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे प्रेशर्स मैंने बताए हैं, जो अल्ट्रा HPLC था, जो FPLC है, एंड इसमें अलग अलग आपका प्रेशर लगता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बेसिकली इसको 2 से 3 से 4 बार आप इसको रीड करेंगे, आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका FPLC के बारे में। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं, एंड यहाँ पर एक बेसिकली ये कोई टाइप नहीं है HPLC का, लेकिन ये आपके एक नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, बाकी एक जनरल सेंस में इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली कपलिंग HPLC टू अ मास स्पेक्ट्रोमीटर, किसी भी जब HPLC को आप मास स्पेक्ट्रोमीटर से अटैच करते हो तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली व्हेन द डिटेक्टर इज शोइंग अ पीक, सम ऑफ व्हाट इज पासिंग थ्रू द डिटेक्टर एट दैट टाइम कैन बी डाइवर्टेड टू अ मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो आपके डिटेक्टर के बाद में अटैच होता है। डिटेक्टर एंड कंप्यूटर सिस्टम जो होता है उसके बीच में इसको अटैच किया जाता है। बेसिकली जब डिटेक्टर से कुछ पीक्स आती हैं तो उसमें से उस टाइम पर क्या होता है, डिटेक्टर से जो आपका रिजल्ट आता है उसको डाइवर्ट किया जाता है मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देयर इट विल गिव अ फ्रेगमेंटेशन पैटर्न विच कैन बी कंपेयर्ड अगेंस्ट अ कंप्यूटर डेटाबेस ऑफ नोन पैटर्न्स। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, जब आपने सारे के सारे सिग्नल्स को
मास स्पेक्ट्रोमीटर में डाइवर्ट कर दिया, वहाँ पर जो भी आपका पैटर्न था उसका हो गया फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन हुआ, उसके बाद में उसको कंपेयर किया जाता है कंप्यूटर डेटाबेस के अगेंस्ट ऑफ नोन पैटर्न्स। जो नोन पैटर्न्स होते हैं उसमें जो आपके कंप्यूटर डेटाबेस होता है उसके अगेंस्ट इनको कंपेयर किया जाता है। इसका मतलब होता है दैट मीन्स द आइडेंटिफाई ऑफ अ ह्यूज रेंज ऑफ कंपाउंड्स कैन बी फाउंड विदाउट हैविंग टू नोन देयर रिटेंशन टाइम्स। तो बेसिकली जो आपका एच पी एल सी था, वहाँ पर अगर आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी सैंपल का आइडेंटिफिकेशन कर रहे थे, तो वहाँ पर कुछ पीक्स आ रही थी एंड उनको पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ ये यही वाला कंपाउंड है या ये यही वाला पर्टिकुलर पार्टिकल्स हैं इसके, उसके लिए वहाँ पर रिटेंशन टाइम को यूज़ करा जाता था। ठीक है, सो रिटेंशन टाइम की यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जब आप एक एच पी एल सी को मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से अटैच कर देते हो तो वहाँ पर किसी भी तरह के आपके रिटेंशन टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड यहाँ पर क्या होता है, जो आपका आइडेंटिफिकेशन होता है वो बहुत ह्यूज रेंज ऑफ कंपाउंड्स का हो जाता है। जब भी आप किसी भी मास स्पेक्ट्रोमीटर को एच पी एल सी से अटैच कर देते हो तो उस कंडीशन में जो आपका कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा रेंज के आपके कंपाउंड्स का आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। इसीलिए काफ़ी सारे केसेस में, काफ़ी सारे पर्टिकुलर सैंपल के एग्जामिनेशन के लिए एच पी एल सी को मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के साथ में अटैच किया जाता है। बेसिकली इसको आप मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कह सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है, तो ये दोनों ही आपके नाम सिमिलर होते हैं, दोनों में कोई भी बेसिक डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने आपको सारे के सारे जितने भी आपके पार्ट्स होते हैं, जितने भी टाइप्स होते हैं एच पी एल सी के, उनके बारे में बता दिया है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा एंड यहाँ से आपके नेट के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो बहुत अच्छे से इनको पढ़िएगा एंड यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है आपके नेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कंपाइल करके फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एंड वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर से कर देंगे, शेयर तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच जाए। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।